पूछिए क्या भाई। काफी लोग जो है इंतजार में है कि अभी तक जो है फिरोज खान साहब को जो है कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ, तो फिरोज भाई इस मसले में क्या सोच रहे हैं, क्या कहां तक जाके बात करेंगे? दिल्ली गए बल्कि मालूम हुआ तो वहां से आपको जो है इमरान प्रतापगढ़ी से आपकी मुलाकात हुई, तो इस मसले में आपको क्या वहां पर उम्मीद है कि आपको क्या पोस्टिंग है? पहली बात, दिल्ली में वन वीक थे हम, राहुल गांधी को छोड़ के हम हर किसी से मिले और जाकर तेलंगाना के हालात, हैदराबाद के हालात, तमाम जो भी हकीकत, कोई कोटे में हमने पूछ रहे, हम पब्लिक के आदमी हैं, हमारी पूरी जिंदगी हम वक्त कर दिए आवाम के लिए और जितनी कोशिश करना था नामपली में हम कोशिश करे हैं और 50% हम बोकस वोट निकाल पाए और 50% बोकस वोट रहे और ये बोकस वोटों की वजह से हम 2000 से चुनाव हार गए और बड़ी तकलीफ से हम दिल्ली गए क्योंकि हम जीत के जाने का सोच के रखे थे मगर अल्लाह को क्या मंजूर है हार के गए हम और बड़ी मुश्किल से हम जाके रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और उनको पूरे हाल हकीकत बता के ये बोले हैं कि ग्रेटर हैदराबाद के अंदर 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता और सबसे कम वोटों से हम हारे हैं और आज हैदराबाद के अंदर और ग्रेटर हैदराबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है, ग्रास रूट तक जाना है, बूथ लेवल तक जाना है और सबसे अहम चीज असदुद्दीन ओवैसी को जो कांग्रेस के खिलाफ है और पूरे हिंदुस्तान में फिर के प्रचार कर रहे हैं, ये तो बात आपको सबको मालूम है, लेटेस्ट राजस्थान चले गए, तो इस तरीके से असदुद्दीन जो बीजेपी की बी टीम है और कभी भी कांग्रेस के वोट ले लेते ये बंदे को यहाँ पे एमपी चुनाव में सबक सिखाना है और सिखाना है तो बोकस वोट निकालना है। जिस तरीके से नामपल्ली में 1,00,000 बोकस वोट बताकर मैं 50,000 के ऊपर बोकस वोट निकाल पाया, उसी तरीके से हैदराबाद के अंदर 5,00,000 बोकस वोट है और आज गवर्नमेंट हमारी है और आज जो मैं रेवंत रेड्डी से मिलना चाह रहा था सिर्फ ये पॉइंट के ऊपर मिलना चाह रहा था कि मेरा मिशन और विजन ये बोकस वोट खत्म करना है। आज गवर्नमेंट हमारी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारा है और मैं कई टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईओ तेलंगाना, ग्रेटर हैदराबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर, ये सब जनों के पास दलीला रखा कि देखिए साहब ये जो वोट ऐड करते और ये जो वोट डिलीट करते ये बीएलओस का काम है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, और हम प्रूफ दे रहे कि ये बीएलओस वोट ऐड भी कर रहे हैं डिलीट भी कर रहे हैं, आप इनके ऊपर क्रिमिनल केस क्यों नहीं डालते, आप इनको सस्पेंड क्यों नहीं करते, आप इनको जेल को क्यों नहीं भिजाते, आप इन पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों नहीं करते? तो क्योंकि एमआईएम पार्टी बीआरएस के गोद में सोरी थी और सेंटर में बीजेपी की गोद में सोती, तो वो इन्फ्लुएंस लगा लगा कर ये तमाम बीएलओस को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बचा रहे थे। अब हम ये बोलने वाले हैं कि हमारे पास बोकस वोट निकालने का फॉर्मूला है, नामपल्ली में जैसा हम निकाले वैसा हैदराबाद में भी हम निकालेंगे और पहली मीटिंग हम हैदराबाद में जितने भी कंटेस्टेड एमएलएज हैं हमारे और कंटेस्टेड कॉपरेटर्स हैं हम पूरों से मीटिंग लेंगे और जिस फॉर्मूले में हम नामपल्ली के अंदर बोकस वोट निकाले वो फॉर्मूला हम उनको पूरों को समझाएंगे और एक 15 से 20 दिन अगर से आप वर्कआउट करेंगे तो ये पूरे बोकस वोट आएंगे। ये बोकस वोट लेके रेवंत रेड्डी के पास मैं बैठने वाला हूँ, हमारे मुख्यमंत्री के पास, और उसके बाद में हक और ईमान के वोट है ना, लंगे वोट चोरों का निकालना, ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है। अगर से इसमें हम कामयाब हो गए तो आने वाले दिन में चुनाव में कांग्रेस को बड़ी मदद मिलेंगी, एमपी चुनाव में भी और लोकल बॉडीज में और कॉर्पोरेटर इलेक्शंस में। आज जो भी एमआईएम की क्यादत है उनका बुनियाद बोकस वोट है और अगर से हम उनको तोड़ पाएंगे तो वो कमजोर होंगे, वो तोड़ पाएंगे तो असदुद्दीन हिंदुस्तान में फिरना छोड़ देंगे और हैदराबाद में रुक जाएंगे। नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में आपका क्या रोल रहेगा फिर उसे? जो पार्टी चाहती वो करने के लिए हम तैयार है, पार्टी बोलेंगी वाराणसी चले जाओ
नरेंद्र मोदी पे चुनाव लड़ो, फिरोज खान लड़ेगा। फिरोज खान एक सिपाही है और कांग्रेस के लिए तन मन धन से अपनी जान निछावर कर चुका है आवाम और कांग्रेस पार्टी। फिरोज खान को और कुछ भी नहीं मालूम। और रही बात, मैं आपके चैनलों को याद दिला दूं, जब आप लोग मेरे से चैनल पे ये बात पूछ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं आती, तो फिरोज खान का स्टेटमेंट था कि अगर से कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं आई और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री नहीं बने तो कभी भी मैं कैमरे के सामने बात नहीं करूंगा। तो ये बात आप याद रख लीजिए, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होने वाली है, रेवंत रेड्डी और तगड़े होने वाले हैं। बीआरएस पार्टी ये बात जो बोल रही कि 6 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी कमजोर होंगी, आप देखिए बीआरएस के पूरे एमएलएस कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, इवन बीजेपी के भी कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। ये आने वाले दिनों में होने वाला है, कांग्रेस दिन पे दिन मजबूत होने वाली है। एमपी चुनाव में आप असर देखिए, और रेवंत रेड्डी 5 साल के मुख्यमंत्री नहीं है, आप मेरी लिख लीजिए आज 15 साल के मुख्यमंत्री है। तो 15 साल तक कांग्रेस हिलने वाली नहीं है, और जितने भी लंगे चोर कामा है उनको खत्म करेंगे और गरीब आवाम को मदद करेंगे। जो हमारे 6 गारंटीज है वो लेके आवाम में जाएंगे और हर एक आवाम को हमारे 6 गारंटीज की मदद मिलेंगी एमपी और लोकल बॉडीज में। वो लोग जो हमारे को ये टाइम वोट नहीं डाले, इंशाल्लाह कांग्रेस को वोट डाले। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय रेवंत रेड्डी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज कुरान, नाजरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलाहिदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफिक असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।